हेलो दोस्तों, आप सभी नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग क्रिकेट टॉक मैसेज में स्वागत है। मेरा नाम सतीश मिश्रा है। देखिए, क्वालिफाई वन खेला गया और शानदार विक्ट्री, शानदार जबरदस्त और शानदार विक्ट्री रही है गुजरात टाइटंस की। जिस तरह प्रकार से उन्हें स्टार्ट किया, चेस करना, जिस प्रकार से उन्होंने खेला है, वो शानदार कमाल लाजवाब रहा उनका। और वही हम बात करते हैं पहले राजस्थान रॉयल्स की। पहले हार्दिक पांड्या ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका गेंदबाजी फैसला बहुत शानदार रहा। देखिए, स्टार्ट उनका उतना अच्छा नहीं रहा राजस्थान रॉयल्स का, सवाल जल्दी आउट हो गए। वहीं जॉस बटलर की बात करें, बहुत धीमा स्टार्ट किया, बहुत धीमी पारी खेल रहे थे। बाद में उन्होंने कवर जरूर किया लेकिन बहुत धीमी पारी खेल रहे थे। देखिए, संजू सैमसन ने कमाल की कल बैटिंग की और बेबाक बैटिंग किया है, ताबड़तोड़ बैटिंग किया है और बेबाक अंदाज में बैटिंग किया उन्होंने और 23 गेंदों 47 बनाया उन्होंने और शानदार बैटिंग किया, बहुत अच्छे लुक में लग रहे। लेकिन थोड़ा सा वही प्रॉब्लम उनकी रही है कि जब अच्छे सेट हो जाते हैं तो अपना विकेट फेंके चले जाते हैं, यही उनके साथ हमेशा होता है संजू सैमसन के साथ। तो अच्छी बैटिंग किया, कमाल की बैटिंग किया लेकिन थोड़ा उतना अच्छा ठीक नहीं पाए और 37-47 गेंद पर थोड़ा और टिकते शायद ये स्कोर थोड़ा सा 200 से ऊपर होता। क्यों? देखिए, पिच एकदम नई थी, पिच पहली बार मैच खेला जा रहा था वहां पे आईपीएल का, तो उस पर रन स्कोर ज्यादा बनना था। उस पर जो बैटिंग पिछली सबसे अच्छी पिच थी वो कोलकाता का, तो यहाँ पे देखिए फ्रेश पिच बैटिंग करना बहुत ही मतलब इजी होता है क्योंकि देखिए पिच एकदम सपाट थी, एकदम अच्छी थी क्योंकि पहली बार मैच हो रहा था वहां पे आईपीएल, कोई मैच हो रहा इसके पहले जो भी मैच हुए महाराष्ट्र पुणे में हुए, तो उसकी वजह से अच्छे स्कोर बने वहां पे और 186 रन बना सके राजस्थान रॉयल्स। जब पीछा करने आई वहां पे दिवान शाह जल्दी आउट हो ट्रेन बोल्ड की गेंद पे, लेकिन शुभम गिल ने बहुत अच्छी पारी के लिए अनफॉर्चुनेट तरीके से वेट ने उनको रनआउट करा दिया। अदरवाइज बहुत अच्छा लुक मिलेगा, 21 गेंदों 35 रन बनाया और कमाल की बैटिंग कर रहे थे कल वो। उसके बाद देखिए हार्दिक पांड्या ने जिस तरह चेस किया, जिस तरह काम कूल कंपोज तरीके से चेस किया, वो कमाल कर रहा। और खासकर डेविड मिलर, देखिए हमने पहले बोला था आपसे कि डेविड मिलर बहुत डेंजरस प्लेयर है और लास्ट का एक मुकाबला सिंगल हैंडल जिता भी चुका है वो गुजरात टाइटंस को, तो उसके उस पर अगर वो टिक गया, अगर खेल लाए तो बहुत शानदार खेलेगा। और यही हुआ, 38 गेंदों पर रन बनाया, वो कमाल की 5 छक्के और 4 चौके लगाए, शानदार बैटिंग किया और जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस आराम से मुकाबला जीत लिया। 27 गेंदों 40 रन हार्दिक पांड्या ने बनाया, बहुत अच्छी बैटिंग की, कंपोज तरीके काम तरीके से, ना कोई हड़बड़ाहट दिखी, ना कोई टेंशन दिखी, ना कोई प्रेशर दिखा, आराम से चेस किया उन्होंने। तो ये कमाल की रही है कप्तानी हार्दिक पांड्या के। देखिए, गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच चुकी है, अब जो डिसाइड होगा कि फाइनल कौन सी टीम में जाएगी। देखिए, अभी राजस्थान रॉयल्स को एक मौका और मिलेगा क्योंकि क्वालिफाई वन खेला, उन्होंने टॉप टू में फिनिश किया है, तो उनको एक मौका और मिलेगा। अब आज एलिमिनेटर खेला जाएगा आरसीबी वर्सेस लेसजी, जो यहां से जीतेगा वो क्वालिफाई राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला उसका होगा, तो बहुत शानदार मुकाबला होने वाला है, देखिए क्या होता है। लेकिन गुजरात टाइटंस को बहुत बहुत बधाई, फाइनल खेलेंगे, अभी पहली बार टीम ये भिड़ी है और पहली बार इतने कमाल का प्रदर्शन किया, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, तो तीनों डिपार्टमेंट कमाल की अपनी परफॉर्मेंस दिखाया है गुजरात टाइटंस ने। तो गुजरात टाइटंस के सभी प्लेयर को बहुत बहुत बधाई, उनके फैंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। कमाल का बैटिंग किया, कमाल शानदार पारी खेली उन्होंने और हार्दिक पांड्या की जितनी भी तारीफ करो कम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।